आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिंगर पोजीशन पर बात करेंगे। तो देखिए, ये आपका है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, ये HP का कीबोर्ड है और ये है सारी बटन्स। इन सभी बटन्स को आपको इन अंगुलियों से प्रेस करना है। टाइपिंग में क्या होता है, ये अंगूठा जो होता है ये काम का नहीं होता, तो चार उंगलियां और इधर की पांच उंगलियां यही काम आएंगी, इन्हीं की सहायता से सारी बटन्स प्रेस की जाएंगे। दाहिना हाथ सबका क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, इस वजह से इस हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेदारी है, इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ा कम बटन प्रेस करना होगा और इसमें ज़्यादा होगा। और जो हम लोग बटन प्रेस करेंगे, जो फिंगर पोजीशन होगी, वो इंग्लिश के लिए भी काम करेगी। इसके साथ साथ मंगल इंस्क्रिप्ट पर जो टाइपिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी सेम फिंगर पोजीशन काम करेंगे। तो ये इंग्लिश और मंगल इंस्क्रिप्ट, बाकी कृतिदेव वगैरह का अलग होता है, उस पर बात नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, इसमें जब आप कीबोर्ड ऐसे देखेंगे तो इसमें F और J इन दोनों बटन्स पर थोड़ा सा उभार होता है। यह क्या करता है, इससे ये पता चलता है कि ये फिंगर, इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की इसी पे रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप कीबोर्ड लेके आए, ये दोनों उंगलियां जो हैं यहाँ पे आपने रख ली। अब देखिए, इसके बगल में तीन बटन है तो आपने तीन उंगली इधर रख दी और यहाँ पे ये रख दिए हैं, तो बगल में ये चार उंगली, यही आपकी होती है रेस्ट पोजीशन। उंगलियां हमेशा यहीं पे रेस्ट करेंगी। अंगूठा इधर वाला ऐसे ऊपर कर सकते हैं या छिपा सकते हैं। ये अंगूठा जो है राइट हैंड वाला, ये स्पेस बार के पास होता है, इससे हम क्या करेंगे, बस स्पेस बार प्रेस करेंगे और ये इससे कोई काम नहीं लेंगे। अब इसमें देखिए, ये आपकी जो बीच में रो है ये होम रो है और ये पोजीशन आपकी क्या हो गई, रेस्ट पोजीशन हो गई। अब यहीं उंगलियां रेस्ट करेंगी, कोई भी बटन प्रेस करनी हो यहीं से उठ के वही उंगली जाएगी, किसी भी बटन को प्रेस करना हो, आर को प्रेस करना हुआ, बाकी वहीं हैं, ये आर के लिए उठ के गई फिर आ गई वापस, ई को प्रेस करना है गई वापस, फोर को, जैसे मान लीजिए थ्री को प्रेस करना है, ऐसे थ्री पे गई वापस आ गई। तो सारी फिंगर्स आपको रेस्ट पोजीशन में रहेंगी और जो भी लेटर टाइप करना हो टाइप करके आएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी उंगलियों को सेट कर लेंगे ऐसे। अब देखते हैं कि कौन सी बटन किस उंगली से प्रेस होगी। तो अगर ये चार बटन तो दिख ही रही है ASDF, तो ASDF, फिर JKL सेमीकॉलन, ये तो आठ तो फिक्स ही हो गई। ये देखिए बीच में दो है, इसका मतलब जी इससे प्रेस होगी, H इससे, तो क्या हुआ, इन दोनों उंगलियों से दो दो बटन प्रेस कर रहे हैं, GFG और इससे JH, इस तरीके से। अच्छा, पहले हम लेफ्ट हैंड से पोजीशन फिक्स करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड से कौन कौन सी बटन प्रेस होगी उसको देखते हैं। आपने क्या किया, ASDF चार हो गई, एक एक्स्ट्रा, इससे क्या है, हम एक एक बटन एक्स्ट्रा, इससे यहाँ पे दो हमने कर लिया, पांच। ऐसे ही चार के ऊपर देखिए ये तिरछा गया है ना, ऐसे ही QWER, ये चार हो गए, क्यू इससे W, इससे E, इससे R, प्लस एक एक्स्ट्रा T, पांच यहाँ पे, पांच टॉप रो में। ऐसे ही एक इससे दो, इससे तीन, इससे चार और इससे पांच, तो 15 बटन ये फिक्स हो गई। ऐसे ही पांच नीचे, इससे क्या हो गई, इससे होगी जेड, इससे एक्स, इससे सी, इससे वी, कैसे, जेड एक्स सी वी और प्लस इससे एक एक्स्ट्रा बी। तो आप देख रहे हैं कि ये पांच पांच इससे फिक्स हो गई। यहाँ से अगर हम बंद कर लें तो पांच बटन होम रो की, ऐसे चार तो जाएंगे ही और प्लस एक एक एक्स्ट्रा ये लाइन इससे प्रेस होगी। तो 5×4 = 20 बटन जो है इससे अभी आपने सीख लिया। बाकी अब देखिए लेफ्ट में जो कुछ बटन्स बच रही हैं एस्केप से लेके यहाँ तक, इससे हम क्या करेंगे, लिटिल फिंगर से प्रेस करेंगे, इससे एस्केप बटन, इससे ये, इससे ये, इससे ही टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट कंट्रोल, इसी से प्रेस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड की क्या कर ली आपने, पोजीशन तय कर ली और आपकी फिंगर्स क्लियर हो गई। ऐसे ही राइट हैंड की हमने क्या की, ये चार थी प्लस एक पांच, ऐसे ऊपर चली गई, फिर ऐसे ऊपर चली गई, तो ये चार चार ऐसे चार नीचे चले आई। तो नीचे तो देखिए 10 ही है ना,
पांच इससे कर लिया आपने, ऐसे चार इससे नीचे आ गई पूरा, और एक एक्स्ट्रा हो गई, ये पांच पांच फिक्स हो गई। इसमें क्या है, चार ये हो गई और एक ये पांच हो गई, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिख रही, इसको लिटिल फिंगर से करेंगे, और इसी से एंटर भी हमने प्रेस किया, और इसी से शिफ्ट प्लस कंट्रोल भी इसी से लिटिल फिंगर से हम करते हैं, कानी उंगली से। इधर हमने क्या कर दिया, अगर बंद करते हैं तो ये पांच पांच इस हैंड से, इन चारों उंगलियों की मदद से ये चार चार, और प्लस इससे एक लाइन एक्स्ट्रा, बाकी जो इधर की बची उससे लिटिल फिंगर से प्रेस करना है। स्पेस बार हम अंगूठे से प्रेस करते हैं, तो ये चार ये इधर की चीज़ें क्लियर। ऐसे ही इधर की पांच लाइन जो है, ये चार तो है ही, ऐसे चार आ गई नीचे प्लस एक एक्स्ट्रा पांच, तो इधर की ये पांच इससे प्रेस हो गई, बाकी जो बच रही हैं सारी बटन ये इससे प्रेस हो गई। अब मान लीजिए शिफ्ट का अब इस्तेमाल कैसे करेंगे, कोई लेटर कैपिटल बनाना हो तो हम शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करते हैं, जैसे यू लिखना हुआ तो हम शिफ्ट, देखिए दो दो बना है तो यू इधर से शिफ्ट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लिख नहीं पाएंगे, इस वजह से हम ये वाला शिफ्ट दबाएंगे, ये दाबे रखेंगे प्लस यू प्रेस कर दिए, ये कैपिटल हो गया। आई लिखना हुआ, हाँ अब इधर का कुछ है, मान लीजिए आर लिखना है कैपिटल, तो ये वाला शिफ्ट दबाए ऐसे, ये आर लिख दिए, ये कैपिटल हो गया। तो आपको इस तरीके से शिफ्ट का यूज करना है, बाकी पोजीशन आपको पता चल गई, ये हैंड जो है हल्का सा इस पर रेस्ट करे, उंगलियां मुड़ी हों, ये उठा हुआ नहीं होना चाहिए। आप कोई बटन ऐसे प्रेस करते हैं आई, तो वही जाए हल्का सा और प्रेस करके चली आए, ऐसा कोशिश करिए, पूरा ऐसे हवा में मत उछालिए, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से नीचे तक आने में डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ता है, जिससे आपकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। तो ये है आपकी करेक्ट फिंगर पोजीशन और हैंड पोजीशन। इसके अलावा अगर आप थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं, आपको समय नहीं है उसको सुधार करने का, तो मत करिए, आप उस स्थिति में भी अच्छी पोजीशन ला सकते हैं, 45-50 की स्पीड तब भी आराम से आ जाएगी। अगर आपके पास समय है तो चेंज कर सकते हैं, आप जो है करेक्ट कर लीजिए, एक दो महीने में अपने आप वो धीरे धीरे सुधर जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये रही आपकी करेक्ट फिंगर पोजीशन और हैंड पोजीशन पे चर्चा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेहिचक, और आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।